बहुत कम राज्य हैं जो इस पक्ष में हैं कि संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन को फिर से लगाना चाहिए, लेकिन अपने अपने स्तर पर बहुत सारे राज्य हैं जो नियंत्रण करना चाहते हैं। जैसे राजस्थान ने सोचा कि फिर से एक बार क्यों ना सीमाएं अपनी सील कर ली जाएं, गुजरात, बंगाल सब बेहाल हैं। लॉकडाउन के दौरान सूरत में प्रतिदिन 25 से 30 के बीच कोरोना पॉजिटिव केस सामने आते थे, मगर जब से लॉकडाउन हटा है और अनलॉक 1 शुरू हुआ है, तब से सूरत में कोरोना के आंकड़े प्रतिदिन 150 से 200 के करीब पहुंच गए हैं। इन आंकड़ों के बढ़ने के पीछे की वजह टेक्सटाइल और डायमंड उद्योग है। ये बात खुद सूरत महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर बंछा निधि पानी कह रहे हैं। सूरत एक इकोनॉमिक हब है, यहाँ टेक्सटाइल है, डायमंड है और बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। उसके साथ साथ जो सोसाइटीज के विस्तार से भी लोग अभी बाहर निकल रहे हैं और सुपर स्प्रेडर्स के द्वारा सोसाइटी विस्तार से भी केसेस आता है। जो अभी केसेस बढ़े हैं खास करके 50% वो डायमंड यूनिट से आते हैं, अराउंड 25% ये टेक्सटाइल से आते हैं, लगभग 15-20% जो सुपर स्प्रेडर हैं वहाँ से आते हैं और दूसरा 20% सोसाइटी के एरिया से आते हैं। तो इसी हिसाब से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ के साथ साथ केसेस बढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ कैसे उसको स्ट्रैटेजाइज करके उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसके लिए सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये नए कदम उठाए हैं। अनलॉक 1 के बाद सूरत शहर के मुख्य डायमंड और टेक्सटाइल उद्योग शर्तों के अधीन शुरू हुए, मगर जब से यहाँ औद्योगिक एक्टिविटी शुरू हुई है तब से हर रोज यहाँ काम करने वाले लोगों में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सूरत मनपा ने कई तरह के कदम उठाने शुरू किए हैं। इसके तहत वे टेक्सटाइल और डायमंड उद्योग से जुड़े संगठनों से बातचीत लगातार कर रहे हैं। इसी के साथ शहर के 37 निजी अस्पतालों के साथ टाई अप किया जा रहा है, जहां मनपा द्वारा जनरल वार्ड में दाखिल होने वाले कोरोना मरीजों का खर्च भी उठाया जाएगा। साथ ही में लोगों में कोरोना का संक्रमण है या नहीं इसका पता लगाने के लिए इलाकों में धन्वंतरी मेडिकल मोबाइल वैन भी शुरू की है, जो लोगों के घर जाकर प्राथमिक उपचार दे रही है। कि 104 का सेवा शुरू किया गया है, 104 में ये फीवर हेल्पलाइन है, कोई भी व्यक्ति को कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो 104 में फोन करके कोविड का क्या लक्षण है, उसको क्या प्रॉब्लम है ये बता सकते हैं और 2 घंटे के अंदर हमारा SMC का जो गाड़ी है उसको जाके उसमें डॉक्टर होंगे, पैरामेडिक्स होंगे, वो उनको उनका लक्षण देख के उनका सर्वर करेंगे। ये 104 का सुविधा है। गुजरात में अहमदाबाद के बाद सूरत कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। शहर के कई सिविल अस्पताल और स्मीमेर अस्पताल कोरोना पॉजिटिव मरीजों से भर चुके हैं और अब मनपा की निजी अस्पतालों के साथ टाई अप करना पड़ा है। ऐसे में कोरोना के केसों को बढ़ने से रोक पाना फिलहाल प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, गुजरात तक।